दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जो सीमेंटेड टैंक्स बना रहे थे हम लोग बायोफ्लॉक की, उसका थोड़ा सा अपडेट दे दूं। ये आरसीसी हो चुका है। आरसीसी होने के बाद ये आपका सेंट्रल ड्रेनेज है। सेंट्रल ड्रेनेज के बाद हमने इसमें पानी भर के थोड़ा सा दो तीन दिन रख देंगे, थोड़ा पकने देते हैं इसको। ये देखिए, ये तेरह डायमीटर का है, 13 फीट डायमीटर का है। तब तक ये पकते रहे तो दूसरा फिर टैंक्स अपन चालू करें। ये देखिए, इसकी बेसलाइन तैयार हो चुकी है। ये कल दूसरी टैंक चालू हो जाएगी, दूसरी तीसरी। ये सेंट्रल ड्रेनेज है। ये सेंट्रल ड्रेनेज सीधा आपको इसका आउटलेट यहाँ पर है। देखिए, ये सेंट्रल ड्रेनेज है। अब एक दो फोन आया था आरसीसी करना जरूरी है क्या पूछ रहे थे। आरसीसी ही आपको करना है, आरसीसी छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करना है। सीमेंटेड टैंक्स में आपको देखिए, थोड़ा बहुत खर्चा बचाने के लिए कई लोग क्या है, सिर्फ ईंटा से बना लेते हैं। ईंटा काफी नहीं है, ये पानी वाला काम है, लीकेज का प्रॉब्लम बाद में आएगी ही। तो बेटर है आप बढ़िया आरसीसी करें, आरसीसी करके सेंट्रल ढाल बनाएं, उसके बाद ही फिर अपना जो भी काम आगे बढ़ाएं। तो जिन लोग बता रहे थे आरसीसी करने का जरूरत नहीं, वो स्टम मानी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आरसीसी भी करना है आपको, डबल प्लास्टर भी करना है। डबल प्लास्टर मीन्स बाहर अंदर नहीं है, अंदर में ही डबल प्लास्टर, बाहर भी डबल प्लास्टर, तभी जाके आपको पानी सही मात्रा में रुकेगी और बहुत बढ़िया आपको सीमेंटेड टैंक्स बनेगा। तो बाकी सारे हमने जितना ये टैंक्स बनाया, सो कॉल्ड आपका रेक्टेंगुलर टैंक्स, यू कैन सी इसमें तिलापिया है। ये देखिए, सारे के सारे आपका रेक्टेंगल टैंक्स भी जो बनाया उसको भी आरसीसी किया, बगैर आरसीसी में हम कुछ किए नहीं, और आरसीसी ठीक रहता है। ये देखिए, सारे के सारे प्रॉपर आउटलेट, प्रॉपर इनलेट, देन एक्सेस पानी ड्रेनेज, तो इस टाइप का सारे के सारे आरसीसी करने के बाद ही आपका सक्सेस होती है। थैंक यू।